जो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इंडिया के फ्लैग को लहराया है तो ठीक है, अच्छी बात है। क्यों लहराया है? क्या क्या बोलो? क्यों लहराया है? क्यों लहराया है? क्यों लहराया है? अबे क्या बोल रहा है? बिलियन बॉल, बिलियन बॉल। हम बॉर्डर पे जाते हैं, हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाता। क्यों नहीं करने दिया जाता? आतंकवादी के पिल्ले हैं हमारे कश्मीर से, वो जो जुल्म कर रहे, वो क्या? तेरा तो गेम बजाना पड़े। इमरान खान को टारगेट कर रही थी इस पे, वो कह रहे थे कि कश्मीर का सौदा आपने किया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये जो इन्होंने फ्लैग को लहरा दिया तुम्हारे कश्मीर के साथ क्यों जुल्म कर रहे? वो कहता है अर्जुन पाकिस्तान जिंदाबाद, कहता नहीं पाकिस्तान से जिंदा भाग, जिंदाबाद नहीं अर्जुन पाकिस्तान से जिंदा भाग। ये हालात है पाकिस्तान से, सब लोग भाग रहे हैं। अब मैं भी जा रहा हूँ सऊदी अरब। अच्छा। अभी पासपोर्ट बनाया, सब कुछ हुआ है, लोअर फिंगर कराने आया हूँ। पाकिस्तानी बौखला गए या उनको सच में खुशी हुई कि अब्बू जीत गए, उन्होंने अपना तिरंगा लहरा दिया। वाह अच्छी बात है, दिल गार्डन गार्डन हुआ, तो जश्न मनाया जाए। लेकिन इसी बात पर पाकिस्तानी एक रिपोर्टर गया जाहिलों के बीच में कि भाई उनका क्या रिएक्शन है इस पर। चेस का मुकाबला था जिसे हम मतलब आप समझ रहे हैं, चेस के कंपटीशन को, इंडियन प्लेयर भी वहां पे मौजूद थे। इंडिया ने वो मुकाबला विन किया और पाकिस्तानी जो प्लेयर्स थे उन्होंने बकायदा तौर पे इंडिया का फ्लैग लहराया अपने साथ, वो उन्होंने रखा पकड़ा और पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि भाई हम मोहब्बत का मैसेज देते हैं, हम साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये बेहतर चीज है? सर मेरा नहीं ख्याल बेहतर चीज है। अच्छा क्यों? सर देखें, आप इंडिया को अगर इस नीयत से सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हम जिस बात पे मुत्तफिक हैं। अच्छा। ठीक है, अब जैसे कि फलस्तीन पर जुल्म हो रहा है। अच्छा। ठीक है, इंडिया वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। भाई बातें हो रही है यहाँ पर खेल की, है ना, और ये भाई फिलिस्तीन घुसा दो बीच में, कश्मीर घुसा दो, इनको कुछ आता ही नहीं है। दिन बदले, कैलेंडर बदले, मौसम बदले, ना बदले तो इस मकबूजा जन्नत के दिन ना बदले। अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूएसए में गए और फलस्तीन के वहाँ के हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात की और उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं इंसानियत की बुनियाद पे। इसके अलावा और लॉजिक बताएं कोई? सर एक मुनाफ़त भी होती है ना, देखें ऊपर ऊपर से वो बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो इंडिया का है। अच्छा। वो सारी इंडिया हिंदुइज्म है जो भी। अच्छा। वो किन की साइड दे रहे हैं? वो तो सोशल मीडिया पे आप देखें, इसराइल की साइड दे रहे हैं, ठीक है, उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा चले एक मिनट में आपको बताता हूँ, हालांकि मैंने आपको लॉजिकल बात की है, हम भी तो कश्मीर कश्मीर करते हैं, हमने कश्मीर के लिए क्या किया बताएं? हमने सरकार कश्मीर के लिए, हमें हुकूमत इजाजत देगी तो हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे? हम मेरा काम गाड़ी रेंट का काम है। अच्छा। मैं पता नहीं कराची जाता हूँ, ठीक है, मैं सखर जाता हूँ, झंग जाता हूँ, हर जगह पाकिस्तान में पूरा फिर रहा हूँ, ठीक है। हम बॉर्डर पे जाते हैं, हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाता। क्यों नहीं करने दिया जाता जी? नहीं तो आप किसी दूसरे कंट्री में तो नहीं ना बॉर्डर? ये तो बात कर रहा हूँ सरकार। अच्छा। अब वहाँ पे चले गए हैं, हमारा सारों का जमीर मर चुका है। ये जो फलस्तीन वाले हैं, ये यकीन करो हमें बदवाएं दे रहे हैं। भाई यार इनके चेहरों से गरीबी साफ साफ झलक रही है ना, हम शुद्ध गरीब हैं। और ये देखो मदद करेंगे फिलिस्तीन की, क्या स्कूल, क्या हॉस्पिटल, क्या पनाह गुज़ीनों के कैंप और क्या कौमे मुत्तहिदा के इदारे, इसराइल का जहां दिल चाहता है, जहां इनका जी चाहता है, बमबारी करके बर्बादी कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, मार मार के सुअर बनाओ सबको। नहीं आप अगर चल जाते बॉर्डर क्रॉस कर ले तो क्या करोगे जाके? मैं बॉर्डर क्रॉस करने की ये बात कर रहा हूँ, हम बॉर्डर पे जाते हैं ना, हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाता, ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा क्यों नहीं करने दिया जाता? क्यों नहीं दिया जाता? ये हुकूमत है। अच्छा हमें ये मना किया गया है कि आप किसी के शहर में नहीं जा सकते। हाँ तो अच्छी बात है, बात है ना? सरकार हम यही बात करना चाहते हैं कि जब हम फलस्तीन वहाँ पे इजाजत कह रहे हैं कि हमें आप जाने की इजाजत दें, ठीक है, फलस्तीन पर अगर आप हुकूमत नहीं जाती हम जाने के लिए, जाके क्या करेंगे सरकार जी? मैं जाके बंदों के भारी हो जाऊंगा। कैसे? फलस्तीन के ऊपर जितना जुल्म हो रहा है ना। अच्छा ये क्या कर रही है हुकूमत? नहीं आप क्या करेंगे ना, आपके पास कोई चीज है? अल्हम्दुलिल्लाह सरकार वो कहते हैं सादगी पे मत जाएं। अच्छा सादगी पे मत जाएं, मुझे ये ना देखें कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं। हाँ। आप मुझे एक दफा जमा के देखें। भाई शहबाज शरीफ को बोलो भाई के लिए बॉर्डर खोले, अभी भाई जंग लड़ेगा, पूरी दुनिया को हरा देगा। मुझे हदीस याद आ गई है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि मुसलमानों में वहन की बीमारी फैल जाएगी। वहम? वहन क्या होगा? वो उसमें ये होगा कि आपको दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी। अच्छा। ठीक है, आपको दुनिया की लालच पड़ जाएगी, बस पैसा कमाओ, ठीक है, ठीक कोई है। मर रहा है जी रहा है, आपको उससे इंसानियत से क्या गर्ज है? अपना कमाओ अपना खाओ,
आपको किसी चीज की फिक्र नहीं है। अच्छा। तो यही हमारे मुसलमानों में हो रहा है। 57 इस्लामी ममालिक हैं, उनमें वहन की बीमारी फैल गई हुई है। अच्छा। ठीक है, पैसे का लालच पड़ गया, पैसे का लालच पड़ गया हर एक बंदे को, बस ये है कि मेरा बन जाए, मेरा समझ जाए। कई कंट्रीज जो इस्लामी कंट्रीज तरक्की भी कर रहे हैं, यूएई भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंडोनेशिया भी बेहतरी की तरफ जा रहा है, अगर हम बात करें अपना मलेशिया की वो भी बेहतरी की तरफ जा रहा है। हम ये तो नहीं कह सकते कि 57 के 57 कंट्रीज जो उनसे वो तबाह हो रहे हैं या बर्बाद हो रहे हैं। कर रहे हैं, लेकिन देखें इतिहाद तो नहीं है ना। अगर 57 इस्लामी मुवालक हमारे इतिहाद में आ जाए, ठीक है, इतिहाद करें और देखें, बैठ के मीटिंग करें तो भाई हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ठीक है, वो इसराइल जितने भी यहूदी हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, चले एक मिनट मान लिया, सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए, 57 कंट्रीज इकट्ठे हो गए, क्या करेंगे हम 57 कंट्रीज मिलके क्या करेंगे? एटॉमिक पावर तो हम है पाकिस्तान, तो हमने क्या कर लिया? सर बहुत कुछ हो सकता है अल्लाह ताला की, जब मुसलमान इस बात पे आ जाएंगे इस्लाम को मद्देनजर रख के, जब अच्छा। वो कोई भी एक्शन लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह के हुक्म से उनका फैसला कोई गलत होगा। ठीक है, आपसे और भी बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अवैस भाई, थोड़ा सा थोड़ा लाउड बोलिएगा, क्या करते हैं? स्टूडेंट है मेरे ख्याल से। जी जी, मैं स्टूडेंट भी हूं और जॉब भी करते हैं। मुझे बताएं क्या समझते हैं आपके पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, चेस प्लेयर, ठीक है, वो इंटरनेशनल कंपटीशन में गए हैं, इंडिया के फ्लैग को लहराया है, क्या अच्छी बात है? अच्छी बात है, जबरदस्त। तो देखा जाए ना, ये देखे ना, ये भाई कह रहे हैं अच्छी बात है, आप कह रहे हैं नहीं अच्छी बात है। भाई जो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इंडिया के फ्लैग को लहराया है तो ठीक है, अच्छी बात है। क्यों लहराया है? अच्छा, इंडिया के फ्लैग को मुझे बताएं तो सही है। एक पॉजिटिव चीज यार, सरकार है ना? अच्छा जी जी, हमारे कश्मीर को, हमारे कश्मीर से वो जो जुल्म कर रहे हैं वो क्या? अच्छा, ये जो इन्होंने फ्लैग लहरा दिया तुम्हारे कश्मीर के साथ क्यों जुल्म कर? ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको जवाब देता हूँ भाई जान। हाँ। ये जो कह रहे हैं ना कि वे फलस्तीन, ये इंडिया का झंडा क्यों ले रहा है यार, ऐसे शिज़्तबाज़ी नहीं करते ऐसे। ठीक है, सही है ना, इंसानियत को बिल्कुल करना चाहिए। हम लोग कोई मसला नहीं, किसे डर है? अच्छा, उसने भी फलस्तीन का लहराया है ना, वो भी एक इंसान नहीं है, वो भी उसके जो कौम के लोग हैं वो कहेंगे भाई इसे निकाल दो, इसको निकाल दो, ऐसे नहीं होता यार, ऐसे। मैंने क्या कहा जी, मुसलमान मुसलमान भाई है। हाँ बिल्कुल है। कब कहा कि हम ये बात आपके साथ लड़ने वाली बात कर रहे हैं, ये दूसरी बात कर रहे हैं? ठीक है, हम आपको ये बात कर रहे हैं कि जो फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, लेकिन इंडिया का फलस्तीन से क्या? सर इंडिया सारा कुछ है जी, सारा कुछ है, कश्मीर, ये कश्मीर का रोल है, हर चीज का रोल है, हर चीज का रोल है। इंडिया भी तो फलस्तीनी को सपोर्ट कर रही है यार, उसका प्रेम मोदी नहीं गया था, मोदी गया था ना, उसने कहा भी फलस्तीन के साथ हम लोग हैं। अच्छा, ये देखिए, आपको ये कैसे पता चला? हमारे मीडिया पे तो मुझे इस चीज का पता है, थोड़ी देर पता है, थोड़ी देर पहले आपने बताया, मैंने बोला तो आपने सुन लिया। अच्छा ठीक है, ये भाई बार बार रूटिंग कर रहे हैं यार इंडिया यार, जब हम लोग अच्छा पैगाम पहुंचाएंगे तो वो भी अच्छा पैगाम पहुंचाएंगे। ये चीज, यही सोच मेरी है, मेरी बात सुनो। देखो हम कहेंगे यार इंडिया इंडिया ये नहीं, दुश्मन है, ये दुश्मन है, मैं फट जाऊंगा वहाँ जाके। मत सोचा करो यार, ये भी सोचा करो कि हमारे मुसलमान भाई उधर हैं। ठीक है, और इंसान है उधर, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। ये भी आपको बता दूं, वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। ठीक है, हम उनसे प्यार करें। अब आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आप तो ये कह रहे थे कश्मीर में ये मामला है सारे, तो क्या इनकी बात से एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते? क्यों नहीं एग्री करते? क्योंकि हमने उनके हिंदू यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, हमने आज तक उनमें जुल्म किया है। आप मतलब आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं? मैं पढ़ता भी हूँ, काम पढ़ते भी हैं। आप इंटरनेट मोबाइल तो होगा, जाके आपने सर्च करना है कि कराची में जो इंटीरियर सिंध में हिंदू कम्युनिटी है उनके ऊपर आए। मैं भी देखा हूँ, कराची का रहने वाला हूँ, थोड़ा ऊंची बोले, कोई मसला, कराची में मैं रहने वाला हूँ, हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं यार। अच्छा, हाँ भाई, हमें पता है कितना सपोर्ट करते हो तुम पाकिस्तानी हिंदुओं को, 24% थे 1947 में और आज सिर्फ 1.5% रह गए हैं, इतना सपोर्ट ना ही करो ना तो अच्छा है। सही बात है। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया, आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना, आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई।